जिल, तुम क्या खाना चाहती हो? एक कच्चा आलू है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्रेंच फ्राइज एकदम आसान है। मुझे तेल चाहिए होगा। मुझे इसमें आलू फ्राई करना है। तेल डाला पैन में। बढ़िया, अब हम इसमें रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज डालते हैं ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ओह, ये चारों ओर फैल रहा है, मुझे इस गर्म तेल से बचाओ। अरे क्या कर रही हो, इसे तुरंत बुझाना होगा। अब सब ठीक है। ओह, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर पूरा झाग लगा दिया है। सॉरी, लाओ मैं ये सब साफ कर देती हूँ। आओ दादी के पास आओ। नहीं, मैं ये खुद कर सकती हूँ। मेरे आलू का क्या हाल है? ओह, वो फोम में ढका हुआ है और पूरा जल गया है। फिर मैं बहन मोनिका के लिए क्या बनाऊं? ओह हाँ, मेरे पॉकेट में हमेशा एक किटकैट होता है। यदि हम चॉकलेट बार को स्टिक्स में तोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल असली फ्रेंच फ्राइज की तरह लगेगा, पर चॉकलेट का बना हुआ। हाथ की थोड़ी सी हलचल और ये तैयार। स्टिक में बदल गया, पैकेट में रख दिया और अब इसे प्लेट में रखा। देखो, तैयार हो गया। और अब इसके साथ सॉस की भी जरूरत होगी। मैं चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल करूंगी। आपको मेरी सिग्नेचर रेसिपी कैसी लगी? यह बहुत बुरा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि खाना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम फ्रोजन फ्राइज से छुटकारा पाएंगे। ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मुझे एक आलू लेना है और उसे थोड़ा छील लेना है और मैं इसे अपने स्टाइल में काट लूंगी। वाह, बढ़िया कटा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं कोई साधारण फ्राइज बनाऊंगी। मेरे पास हमेशा ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, इसलिए हम एक पुरानी चाइनीज रेसिपी का उपयोग करेंगे। हम चॉपस्टिक के बीच आलू डालते हैं और फिर उन्हें काटेंगे, लेकिन अंत तक नहीं। हम सब कुछ एक स्टिक पर डालते हैं और बढ़िया हो गया। अब ये इसे ओवन में रखना होगा और अब इसके पकने तक का इंतजार करना होगा। यह बहुत अच्छा है और मैंने भी आलू पकाने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि इस तरह से मेरे फेवरेट आलू को पकाना अधिक सुविधाजनक होगा। यह रेसिपी मेरी माँ ने और उन्हें उनकी दादी ने सिखाया था। हमें आलू को मैश करने की जरूरत है। यह तैयार हो गया और अब इसमें नमक डालना नहीं भूलना है। नमक डाला और अब इसके बाद इसमें थोड़ा आटा मिलाएंगे। आटा डाल दिया और अब सब चीज को अच्छे से मिक्स करें। बढ़िया, मुझे एक बढ़िया आलू का डो मिला है जिसे मैट पर रखकर अच्छे से बेलना है। धीरे धीरे पतले। अब इसे मैं अपने फेवरेट मग से गोलाई में काट लूंगी। हाहा, बढ़िया चिकना गोल। अब इसमें स्माइली फेस बनाऊंगी ताकि मेरी पोती कभी दुखी ना हो। अद्भुत। और अब इसे पकने के लिए अवन में डालते हैं। और अब थोड़ा इंतजार। मेरे शानदार आलू तैयार है। क्या खुशबू है। बढ़िया, लेकिन मैं आलू को सॉस के बिना नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं घर का बना कैचअप बनाऊंगी। मुझे एक टमाटर चाहिए जिसे हम ब्लेंडर में डालते हैं और ब्लेंडर को चालू करते हैं। बिना दया दिखाए टमाटर का बढ़िया प्यूरे तैयार करते हैं। वाह, इसे कटोरे में निकालेंगे और ऊपर से हर्ब्स। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट शेफ। और दादी का कैसा है? वाओ, कितना प्यारा। तुम्हें इसका एक बाइट भी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम इससे दूर रहो। मैं सॉस के लिए सामान्य केचप का उपयोग करूंगी। मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मैं खुद केचप की बहुत बड़ी फैन हूँ। जरा देखो मैंने इन प्यारों के लिए कितने खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए हैं। सब तैयार है तो चलो मोनिका, चक्कर बताओ कौन जीत रहा है। वाह, ये बहुत फनी लग रहा है। चलो अभी से खाए। वाओ, स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए। वाओ, बहुत अच्छा। दादी, आपके हाथों में जादू है। अब ठीक है। और यहाँ क्या है? वाओ, क्या ये मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज है? ओह नहीं, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। अब इसे इस सॉस के साथ ट्राई करती हूँ। वाओ, तो यह चॉकलेट सिरप के साथ एक किटकैट है। कूल बहन। और शेफ ने क्या बनाया है? चलो खाकर देखती हूँ। यह बोरिंग है। और यहाँ क्या है? मसला हुआ टमाटर, उतना अच्छा नहीं। फिर मैं दादी को विनर के रूप में चुनती हूँ। क्या सच में मैं? चलो सब गले लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है।
इस बार बेबी को क्या चाहिए? वाव, यह एक सैंडविच है। कूल, चलो देखते हैं कौन कैसा बनाता है। हाँ, यह तो कोई खाना भी नहीं हुआ, सामान्य नाश्ता। जब मैं छोटी थी, मैंने एक मिनट में सैंडविच बनाने की चैंपियनशिप जीती थी। मैंने सिर्फ एक मिनट में 154 सैंडविच बनाए थे, फिर पूरे शहर ने खाया था। ओह, तुम इतने डरावने क्यों हो? ओह, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इन रसोई मशीनों के साथ पूरी तरह से बैठूं? चलो कुकिंग पर वापस आते हैं। मैं पीनट बटर और अपने हाथों से बना हुआ स्ट्रॉबेरी जैम के साथ एक सैंडविच बनाऊंगी। बेबी मोनिका मेरे जैम को भर भर कर खाती है और रात में पीनट पेस्ट भी खाती है। वह जरूर मेरे सैंडविच को पसंद करेगी। पहले एक ब्रेड पर जैम लगाया, दूसरे पे पीनट, और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और यह तैयार हो गया। और अब इसे तिकोने आकार में काट देती हूँ। मेरा सब कुछ तैयार है। वाह, आपका सैंडविच बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मैं खुद ही से खाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हमेशा की तरह सब कुछ बेबी मोनिका के लिए। खैर, अब मैं अपनी प्यारी बहन के लिए एक सैंडविच बनाऊंगी। इस मास्टरपीस को जरूर जीतना चाहिए। यह बनेगा सबका फेवरेट हैम और चीज के साथ। बिल्कुल सही, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और अब मुझे बहुत ज्यादा मेयोनीज की जरूरत होगी, ताकि ये बहुत सूखा ना हो। इसे अच्छे से डाल देती हूँ। वाओ, मेरे फेवरेट चीटोस चिप्स में सब कुछ रोल करे। हमें बस इसे थोड़ा पीसने की जरूरत है। मेरी बहन को सब कुछ सही मिलना चाहिए। इसे चारों ओर अच्छे से लगा दिया। वाओ, यह तैयार है। पर अभी कुछ और काम बाकी है। मुझे तेल में सैंडविच को अच्छी तरह से फ्राई करने की जरूरत है, ताकि चीज अच्छे से दूर तक स्ट्रेच हो। हाहा, अब यह तैयार हो गया। यह कमाल का दिख रहा है, मेरे तो लार टपक रहे हैं। मुझे आशा है कि मोनिका को यह पसंद आएगा। आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैं लंबे समय से अपना सैंडविच बना रही हूँ, लेकिन आपके खरीदे हुए ब्रेड एकदम बेकार होते हैं। इसलिए मैं अपना खुद का ब्रेड बनाऊंगी, जो न केवल स्वादिष्ट होगी बल्कि अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी होगी। मैं इसे रेनबो का रूप दूंगी, क्योंकि बेबी को यह पसंद है, उसने मुझे एक बार बताया था। अलग अलग सभी रंगों को एक दूसरे के ऊपर रखा और अब इसे बेक करूंगी। मेरे पास एक सुपर शक्तिशाली ओवन है, जो एक सेकंड में सब कुछ करता है। एकदम सही, यह तैयार हो गया। वाह शेफ, इसकी सुगंध तो कमाल की है। और यहाँ क्या है? ओह, ये मेरे ब्रेड काटने का चाकू है। तारीफ के लिए धन्यवाद दादी, आप भी कोई कम नहीं है। लेकिन हाँ, खाना पकाने में नहीं। हम ब्रेड को टुकड़ों में काटते हैं और फिलिंग बनाते हैं। मुझे यहाँ रेनबो चीज की जरूरत है, यह विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया था। वहाँ से लाया गया है जहाँ यूनिकॉर्न चढ़ते हैं। सब कुछ तैयार है, देखो कितना रंगीन लग रहा है ना? अच्छा, वाह, सभी सैंडविच कितने अलग है। वाह, और यह वाला तो बहुत बड़ा है। यह कितना रंगीन और स्वादिष्ट दिख रहा है, मैं खुद को रोक नहीं सकती। वाह, कितना स्वादिष्ट। और अंदर क्या है? चीज और हैम, मेरा फेवरेट। और आगे क्या है? वाओ, उंगलियों को चाट कर खाने लायक, बढ़िया स्वाद, अद्भुत। यह दिखने में साधारण है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और यह क्या है, इतना रंगीन? चलो खाकर देखती हूँ। वाओ, रेनबो चीज के साथ रेनबो सैंडविच, बहुत बढ़िया, लेकिन इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं है। मैंने तय कर लिया कि मेरी बहन और उसका विशाल सैंडविच जीतेगा। यह बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, मैं बेस्ट हूँ, चलो विक्ट्री डांस करे। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मोनिका वहाँ पेंटिंग कर रही है। मुझे दिखाओ बेबी, तुम क्या चाहती हो? वाह, यह फ्राइड एग है। शेफ के लिए बाएं हाथ का खेल है और दादी इसे हर सुबह बनाती है। बहन कुछ सोचेगी। जिल, तुम अंडे पर क्यों पेंट कर रही हो? चलो अच्छा होगा कि खाना बनाओ। ओह हाँ, सभी को फ्राइड एग बनाना है। यह एकदम आसान है, लेकिन मैं अपने अंडे को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहती। ओह बेचारी, सबसे अच्छा अंडा दुनिया से चला गया। इन छिलकों को हटाना जरूरी है, नहीं तो बेबी फ्राइड एग नहीं खा पाएगी। चलो स्टोव ऑन करती हूँ। तुम कितनी अच्छी कॉम्पिटिटर हो। अब दादी तुम्हें अधिक दिलचस्प फ्राइड एग दिखाएंगी। मुझे एक पीली शिमला मिर्च चाहिए। हम सब एक्स्ट्रास को हटा देंगे और अब इसे गोल गोल काट लेंगे।
हम इन रिंग को फ्राइंग पैन में डालेंगे, जिसे कि खाया भी जा सकता है। चलो स्टोव चालू करें, थोड़ा तेल डालें और फिर इस पर शिमला मिर्च फैलाएं। अब हम अंडा लेते हैं। ओह जिल, क्या तुम्हारे पास सभी अंडों को सजाने का समय था? मैंने इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया। खैर ठीक है, हम शिमला मिर्च में कुछ अंडे तोड़ते हैं और उसके तैयार होने का इंतजार करते हैं। वाह बहुत सुंदर, यह डिश मुझे फूलों की याद दिलाता है। मैंने सब कुछ एक प्लेट पर रख दिया और यह तैयार है। अब इधर देखो दादी, मुझे कुछ अंडे लेने और उन्हें कटोरे में तोड़ने की जरूरत है। 3 काफी हैं। अब मुझे योक्स को सावधानी से हटाने और कप में प्रोटीन को अकेला छोड़ने के लिए अपने नए किचन गैजेट की जरूरत होगी। बढ़िया, क्या तुम खेलना चाहती हो? ये लो। वाह क्या मस्त चीज है, ये मछली बहुत मजेदार है। देखो मछली अब मुझे खा जाएगी। बच्चे कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं, लेकिन मुझे एक मिक्सर की जरूरत होगी जिससे मैं एग वाइट को मिक्स कर सकूं। एकदम सही, अब मैं इसे पार्चमेंट पेपर पर डालूंगी और इसे पूरी तरह से पकने के लिए ओवन में डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा समय लगेगा। जिल क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? ये खरगोश है, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे खरगोश के आकार में फ्राइड एग बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही सुंदर होना चाहिए और साथ ही स्वादिष्ट भी। व्हाइट्स डाला और योक्स को भी नहीं भूलना है, वे आँखों के लिए एकदम सही है। अब हमें सब कुछ तैयार करना है। ओ मेरी नाक में जलने की बदबू आ रही है। जिल क्या तुम अपने अंडे के बारे में भूल गई हो? ओ नहीं मैं तो भूल गई थी। अब इसे मोनिका को कैसे दे सकती हूँ? मैंने सब जला दिया। हम मुझे क्या करना चाहिए? हाँ एक शानदार आइडिया मेरे दिमाग में आया है, मैं योगर्ट से फ्राइड एग बनाऊंगी। ओह सारी कैंडी गिर गए, आज मेरा दिन नहीं है। चलो शुरू हो जा, हमें फ्राइड एग की तरह सावधानी से योगर्ट को एक प्लेट में रखना होगा और अब मुझे जार से एक पिच चाहिए। चलो इसे चाकू से खोले। अरे दादी परेशान मत करो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह इसे खोलना इतना आसान नहीं है। ओह खोलो अभी। ओह आउच। ओह ये क्या है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। ये आसानी से खुलता है। महक अच्छी है। बहन ये मेरा है, धन्यवाद। लेकिन मैंने इसे खाया भी नहीं, मोनिका ने जार खोल दिया। और आप कहते कि वो एक बच्ची है। खैर मुझे आधा पीस चाहिए या योक होगा। देखो बिल्कुल असली की तरह है। और मुझे सलाद चाहिए, मैं इसे एक प्लेट पर बिछाऊंगी और उस पर एक बनी होगा। ओवन में मेरे एग व्हाइट का क्या हाल है? ओह यह तैयार है, बढ़िया। यह बादल और सूरज की तरह बहुत अच्छा लगेगा। पर भूलो मत जर्दी से हमेशा एक सूरज होना चाहिए। एकदम सही, सब कुछ तैयार है। अब चलो इसे चक्कर देखते हैं, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पक्का एक कांटा और चाकू के बिना काम नहीं चलेगा। चलो अब इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट दादी, बिल्कुल आपकी तरह। और यहाँ क्या है? यह अंडे की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन यह भी मजेदार है। मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है। और यहाँ क्या है? वाओ कितना प्यारा, ये पूरा अंडे से बना तस्वीर है। चलो अब यह ट्राई करते हैं। वाह बहुत स्वादिष्ट। और यह क्या है? अंडे का बादल। गोल। बहुत बढ़िया, शेफ जीत रही है। आखिरकार मैं जीत गई। ये मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है, लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है, मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी।
हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। एक दो और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूँ? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भून कर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूँ? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा, मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट, मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई, मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेज को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ। और अब अंडा, ओह, छिलका गिर गया है, शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से ये और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है, मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूर डालूंगी, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो, इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ, हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो, और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है, हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है, एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ। और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार, बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ, मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओ मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा? ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर,
धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही, यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है, केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब यह पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं। और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान, मैं आज को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया, और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि यह जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए। इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ। और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूट्रेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया, देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बैरिस पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत, तैयार, प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया, लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! तो अब हमें क्या बनाना होगा? मुझे एक डोनट चाहिए। मेरे लिए डोनट्स बनाओ। यह तो आसान है। हाँ हाँ, यह हो जाएगा।
अच्छी च्वाइस है। क्या उन्होंने अभी खाना बनाना शुरू भी कर दिया है? चलो आटा तैयार है। डोनट्स को इस कटर से मैं काट लेती हूँ। 3 टुकड़े सही होंगे। यह फ्राइंग पैन को गर्म करने का समय है। मुख्य बात सही तापमान सेट करना है। हाँ, मैं अच्छे से तेल डालती हूँ। हाँ, यह आसान लग रहा है। हाँ। टॉम, अपनी दादी को हार्ट अटैक मत दो। रिलैक्स दादी, सब ठीक है। ओप्स, अब आगे क्या करना है? तेल। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी होगा। अब इसके गर्म होने का इंतजार करना होगा। क्या वो दोनों अभी से पित्तल भी रहे हैं? ठीक है ठीक है, तो मैं भी इसमें डाल देता हूँ। 1, 2, 3। ओ माय गॉड, तेल पूरा मेरे ऊपर छिड़क गया। टॉम, तुमने इतना क्यों डाला? हाँ सच में, मुझे अपने डोनट्स को बचाना होगा। अरे बाप रे, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है या पूरा फेल हो गया है। नहीं, ओह, चिंता मत करो बेटा। चलो, मेरे डोनट्स लगभग तैयार है, अब मैं उन्हें सजाऊंगी। चलो इसे यहाँ से काट दे। हाँ, एक इंसान अपनी आँखों से खाता है, इसलिए प्रेजेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। बेलिसिमो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, लेकिन मेरे डोनट्स फिर भी सजावट के बिना बेहतर होंगे। Awesome. इस तरह से आपने कितने अच्छे डोनट्स बनाए हैं। और मैं, हाँ मेरे पास एक आइडिया है, थोड़ा चीज इसे डोनट्स के आकार में डाल देता हूँ। हाँ okay. बढ़िया, मैं सजावट के लिए अपने फेवरेट चीटोस लूंगा। और अब हथौड़े की बारी। क्या ये जानता भी है कि डोनट क्या होता है? बढ़िया, अब मैं इसे स्प्रिंकल की तरह इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से। हाँ, ये से एकदम सही होना चाहिए। बढ़िया, पर किसी चीज की कमी है। ओ दादी, क्या मैं आपसे यह ले सकता हूँ? अच्छा ले लो। धन्यवाद। फ्राइंग पैन को बाहर फेंको, ये स्टोव काम आएगा। अब मुझे फॉइल चाहिए। मैं अपने चीज डोनट्स को लपेटूंगा और उन्हें सीधे स्टोव पर सेकूंगा। लगता है कि सब कुछ तैयार है। एकदम सही, अब मैं इसे परोस सकता हूँ। यह यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा और इतना अलग। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। वाह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, और अंदर एक फिलिंग भी है। ये सच में स्वादिष्ट है। तो यहाँ क्या है? क्यूट है, चलो खाकर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ एक डोनट है? नहीं, ये उतना अच्छा नहीं है। और यह क्या है? चलो देखती हूँ। वाह, ये चीज डोनट है। यह तो कमाल का है, पर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ हाँ, मैं जानती थी मैं ही जीतूंगी। और अब आगे मुझे सैंडविच चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकती। ओह ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं एक मीठा सैंडविच बनाऊंगा। मुझे न्यूटेला चाहिए। यह रहा। बढ़िया है। और अब आगे मुझे मार्शमेलो चाहिए। चलो इसे सजाते हैं। एकदम सही। और हाँ, एक चॉकलेट बार। और यहाँ, और मैं इसमें रेनबो गमी डालूंगा। सॉस और कुछ और मीठे को नहीं भूलना है। और अब यह तैयार हो गया और सबसे खूबसूरत दिख भी रहा है। बढ़िया, थोड़ा सा स्प्रिंकल भी डालता हूँ। और इस तरह से। यह अच्छा नहीं है, इतनी चीनी। मैं एकदम साधारण सैंडविच बनाऊंगी। थोड़ा हैम, चीज, और अब बस इसे सेकना बचा है। Awesome.
ओवन चालू कर दिया और यह तैयार हो रहा है परफेक्ट। वाह, और यह एकदम तैयार हो गया। ओह यार, इसमें कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो चलिए पहले ब्रेड को अच्छे से फ्राई करते हैं। एकदम सही। सलाद पत्ता, टमाटर और आप सैंडविच और मीट के बिना, यह क्या है? मेरे सैंडविच का सीक्रेट सामग्री या घोंगे हैं। इस तरह से, ओह यह भयानक है। बस हमें इसे इसके शेल से बाहर निकालना होगा। ओह मुझे इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। ओह मैं इन व्यंजनों के बारे में कभी समझ नहीं पाई, कितना भयानक है। और वे शेल्स और ये मसल्स मेरे सैंडविच के लिए एकदम सही रहेंगे। ओह यह क्या गड़बड़ है, कितना डरावना है। इसे हाउ के व्यंजन कहा जाता है, पर अभी भी किसी चीज की कमी है। डोट ब्लू चीज या सी फूड के साथ अच्छा लगता है। बस अब हो गया, यह फाइनल टच है दादी। बस यह हो गया। ओह कितना भयानक है। तो क्या आप तैयार हैं? वाह कूल सैंडविच, मैं इसके साथ शुरू करूंगी। छी यह क्या है? यो छी छी छी, क्या गड़बड़ है? ओह नो, यह अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे मीठा पसंद है, बहुत स्वादिष्ट। अच्छा तो अब यह अंतिम वाला। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह एकदम सही है दादी, आप जीत गई। हुर्रे, मैं जीत गई। अच्छा तो अब आगे क्या है? अब मैं चाहती हूँ सीजर सैलेड। ओ कूल, वाह आखिरकार। और यह क्या है? चलो शुरू हो जाता हूँ। टमाटर काटना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। ओह यह क्या है? ओह तुम रुको टमाटर, मैं बस तुम्हें काट कर ही रहूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो, सावधान रहो यंग मैन, ये बहुत आसान है। देखो एक और दो, बस हो गया। एक और दो, बस अब इसमें सलाद के पत्ते मिलाना है। और बिना चिकन के कैसा सीजर सलाद, और इसे काट कर डालना है। हाँ एकदम सही। ओह ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा ताजा अरुगला और ढेर सारा बटर, सब कुछ एक ब्लेंडर में डालें और इसे अच्छे से फेंटें। चलो शुरू करते हैं। एकदम सही। ओह ये तामझाम, हमें एक छोटे सॉस पैन की आवश्यकता होगी। हम इसमें सभी लिक्विड डालते हैं। ओह आखिर वह कर क्या रही है, मुझे पता नहीं है। अजीब है। एक बड़ी सिरिंज और एक ट्यूब, अब एक जादू होगा। अब इसका एक सॉसेज बनेगा। चलो सैलेड पत्ते, टमाटर और निश्चित रूप से चिकन डालें। ऐसे टुकड़े ठीक रहेंगे। और थोड़े क्रूटॉन और निश्चित रूप से चीज। और अब यह तैयार है। हाँ मैं लगभग भूल गई थी, मुझे कुछ चीज को ग्रेट करने की जरूरत है इस तरह से। अरे यह क्या हो रहा है, सब्जियाँ काटना बहुत मजेदार है। ओह फिर से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ मेरे पास एक शानदार आइडिया है, मेरे पास ये कूल गम है, मैं इसे लेटस के पत्तों के रूप में उपयोग करूँगा। ओके। और यह गमी आइस, और डिश को सजाने के लिए मार्शमेलोस और गमी बम्स डालता हूँ। और अब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हाँ
देखो ये तैयार है, ये पूरी तरह से बेस्वाद है। केट हम तैयार है, चलो देखते हैं, मैं उसके साथ शुरू करूंगी। यह क्या है? आ, आ, छी, क्या गड़बड़ है? निश्चित रूप से नहीं। और यहाँ क्या है? हाँ हाँ सलाद, कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ कुछ दिलचस्प। ये बहुत स्वादिष्ट है, यह निश्चित रूप से एक विजेता है। हुर्रे, हाँ, विक्ट्री, ये। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आह, आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। आ, ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए, फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए, देखो। ओके। तारा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज। मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है, अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से यह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों ना करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, यह बहुत अच्छा है। ओह छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं एक गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है, आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा, सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो यह कितना खूबसूरत लग रहा है, और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया, मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है, लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सूची बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे। ताराम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है, मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले, और हमें सोय सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो, ठीक है, यह हो जाएगा, मैं डालूंगी इसे। हो गया, मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है।
मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। पाराम, देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओ वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई है। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे दांत में खुजली हो रही है। अच्छी, ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। Let's go! अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है, तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, यह अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छे चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब यह बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओ भाई, तुम्हारा वाफल बहुत ओवर कुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। और इन वाफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वाफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुरे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है,
आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैपचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वाद इस चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम, अंत में व्हिप क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार, बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार कितने सुंदर है। हम लोग कहाँ हैं? शायद ये हमारा भोजन है। तुम सही कह रही हो, मुझे स्ट्रॉबेरी मिली है। ये पकी हुई है, ये तो पक्का है। बहुत भाग्यशाली हो। अब मैं थाली खोलती हूँ। क्या प्यारा लॉलीपॉप है। एक सेकंड रुको, उसके अंदर क्या है? ये एक विशाल कॉकरोच की तरह दिखता है। चलो तो अब तुम्हारी स्ट्रॉबेरी से शुरुआत करते हैं। मुझे जरा भी ऐतराज नहीं है। क्या मैं भी इसे खा सकती हूँ? एमा को पता नहीं चलेगा। मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? मुझे मेरी बेरी दे दो। नहीं, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। खैर, मेरे पास तो केवल एक पत्ता बचा है। तुम्हें यही चाहिए मेरा अंडा? यह मेरी बेरी है और इसे मैं ही खाऊंगी। ये कितनी स्वादिष्ट लग रही है, मैं अभी इसे चुरा लूंगी। मेरी प्लेट खाली क्यों है? बेरी सब कहाँ है? मिरांडा, क्या ये तुम्हारा काम है? मुझे बदला लेना होगा। अपना मुंह खोलो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम कितनी क्रूर हो एमा। ये देखने में कितना खराब है। क्या तुमने सब खा लिया? उसमें तो कॉकरोच था। अरे नहीं, मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। अब ये मेरे मुंह में है, कितना भयानक। ऐसा लगता है कि वो जिंदा है। ये एक बुरे सपने जैसा है। कॉकरोच मेरी ओर दौड़ रहा है, क्या करूं? ये लो, ये तुम्हारे लिए है। मैंने कहा पास मत आना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो यहाँ है। तुमने इसे डंप क्यों किया? वो हम पर ही गिरेगा। लगता है सब ठीक है, वो कहीं नहीं दिख रहा है। जल्दबाजी मत करो, तिलचट्टा ठीक तुम्हारे सिर पर है। अरे नहीं, या नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। एमा रुको, मेरे पास एक बड़ी चप्पल है। कितना दर्द हो रहा है। मदद के लिए धन्यवाद मिरांडा। लगता है कि मेरी योजना काम नहीं कर पाई। वाह, नया खाना, मैं पहले खोलूंगी। ये तो छोटा सा टॉयलेट है, अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम इसका क्या करोगी? कुछ ना कुछ सोचना होगा, लेकिन पहले अपने डिश से ढक्कन उठाओ।
इतनी ज्यादा गमी आंखें। सुपर, तुम तो किस्मत वाली निकली। अब खाने का समय है, मुझे किससे शुरुआत करनी चाहिए? शायद इस आंख से। तुम क्या कर रही हो एमा? फालतू के काम करना बंद करो। ठीक है, लेकिन बोर मत करो। कितना स्वादिष्ट, मैं खाते रहना चाहती हूँ। ये तो दूसरी आंख है, कितनी मुलायम है। मैं खुश हूँ, अब मुझे रोका नहीं जा सकता। शायद तुम मेरे साथ शेयर करोगी? मैं नहीं, मेरे पास ज्यादा नहीं है। तुम बहुत मजाक किया हो एमा, तुम्हारा मुंह तो गमी आंखों से भरा है। ये इतना ही नहीं है। ओ, ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा चूक गई। यह तुम्हें सूट करता है। यदि तुमने खत्म कर लिया है तो मैं देखने के लिए तैयार हूँ कि मेरे टॉयलेट में क्या है। वाह, मुझे यहाँ एक साथ दो लॉलीपॉप दिखाई दे रहे हैं। मुझे इसे जल्दी से चेक कर देखना है। तुमने मेरे चेहरे पर रैपर क्यों फेंका? मैं देख रही हूँ कि वो अपनी लॉलीपॉप को लेकर बहुत भावुक है। यह मेरा मौका है। तुम क्या कर रही हो एमा? ये मेरा लॉलीपॉप है। मैं केवल इस पैकेट को खोलना चाहती थी ताकि तुम इसे तुरंत खा सको। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं टॉयलेट के बारे में पूरी तरह से भूल गई। अरे यह क्या है? यह एक पाउडर कैंडी की तरह दिखता है। सही में वो वही है। इसमें अपना लॉलीपॉप जल्द से जल्द डालना होगा। स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। अरे हाँ, मीठा कैरमेल और खट्टा पॉप एक साथ बढ़िया है। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक कि मैं यह सब खा नहीं लेती। मुझे भी खाने का मन हो रहा है। तुम मेरा क्यों ले रही हो एमा? तुम क्या कर रही हो मिरांडा? मुझे मारना बंद करो। माफ करो, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं इससे तंग आ गई हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या मैं पहले खोल सकती हूँ? धन्यवाद, मुझे पता था कि तुम बुरा नहीं मानोगी। वेरी फांचा। वाव, मैंने इसे कभी नहीं पिया है। तो जल्दी से खोलो। अरे नहीं, मैंने अपना नाखून तोड़ लिया। बिचारी, मुझे मदद करने दो। मुझे फैंटा खोलने का काफी अनुभव है। ये देखो, सब कुछ काम कर गया। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं खुद भी इसे पीना चाहती थी। यह क्या, इसे वापस दो। यह मेरा फैंटा है। क्या सुगंध है। मुझे यकीन है इसका स्वाद और भी अच्छा होगा। अरे हाँ, यह बहुत ही अच्छा है। तुम मुझे धन्यवाद देने के लिए मेरे साथ शेयर कर सकती हो, लेकिन यदि तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। मुझे तो वही मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। कितना ताजा मजेदार स्वाद। ये स्ट्रॉ कहाँ से आया? एमा, तुम फिर से? ये अजीब है, फैंटा क्यों नहीं निकल रहा? ओ मिरांडा, हाय, कैसी हो? मैं तुम्हारी हरकतों से थक गई हूँ। आशा है कि फैंटा मुझे ध्यान हटाने में मदद करेगा। उप्स, मुझे माफ करो, यह स्वादिष्ट था। तुम्हारा कैन सीधा मेरे चेहरे पर गिरा। चिल्लाना बंद करो, अपनी प्लेट खोलो। यहाँ कोई प्लेट नहीं है, बस एक अजीब लाल बटन है। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या करना है। दबाने की कोशिश करो। क्या हो रहा है, तुम कौन हो? मैं रासायनिक हथियारों के साथ काम करता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे लिए? लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्भाग्य से यह तुम तय नहीं कर सकती। बटन को मैं ले रहा हूँ। अरे हाँ, लगभग भूल गया, अब यहाँ हाई रेडिएशन का क्षेत्र है। मिरांडा, तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक है? बाय। यह है दुनिया की सबसे खट्टी कैंडीज। कितना भयानक। पता नहीं कि मैं इसे खा पाऊंगी कि नहीं। डरावना लग रहा है। तुम क्या बोल रही हो, यह तो बहुत अच्छा है। तुम्हें नया अनुभव होगा। ऐसा लग रहा है कि मैं बिना किसी बात के डर गई थी। तुम मुझे खिला सकती हो? माफ करो, लेकिन मैं खुद एक और लेने से मना नहीं करूंगी। इतना खट्टा, लेकिन मुझे यह भी पसंद है। तुम कुछ अजीब सी दिख रही हो। मैं भी ट्राई करती हूँ, मुझे भी इसे अनुभव करना है। यह तो वास्तव में खट्टा है। क्या अच्छा स्वाद है। अरे, मेरी कैंडी कहाँ गई? मिरांडा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसे खुद खाऊंगी। वापस दो। क्या, जार खाली है? मुझे यह इतना अच्छा लगा कि मैं अपने को रोक नहीं पाई, लेकिन अब मुझे इसका पछतावा हो रहा है। मुझे जल्दी से एक कवर की जरूरत है। ये बहुत खट्टा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समय रहते छुप गई। एक, दो, तीन, तुम शुरू करो। वाह, पॉप कैंडी और सिरप के साथ सिरिंज। मैं खुश हूँ, मुझे लगता है मैं लकी निकली। अच्छा लग रहा है। आओ देखें कि मेरे पास क्या है। ये एक छोटे से ताबूत जैसा दिखता है। मुझे इससे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है यह सोच कर कि इसके अंदर क्या है। मुझे शुरू करने दो।
मुझे यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। वाह राव, पकड़ लिया। यह मीठा सिरप है और अब मैं पॉप कैंडी खोलूंगी। मुझे यकीन है कि वह भी मुझे उतना ही पसंद आएगा। कितनी तेज चमक है। एमा, दूसरे के काम में अपनी टांग मत अड़ाओ। यह मेरा खाना है और मैं इसे लेकर रहूंगी। वाह, मेरे मुंह में तो असली आतिशबाजी हो रही है। इन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मुझे और चाहिए। मेरे सिर में आतिशबाजी हो रही है। वाह, कितना अप्रत्याशित प्रभाव है। देखो एमा, मेरे हिसाब से इसे बुझाने का समय आ गया है। मिरांडा रुको, लगता है कि इसमें सिरप मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एमा, तुमने ठीक समय पर मदद की। अब तुम्हारी बारी है। बेहतर होता कि तुम इसका जिक्र ना करती। मुझे बॉक्स खोलने में डर लग रहा है। उसमें से भाप निकल रही है या क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। करीब से देखने की कोशिश करो। ये एक मसालेदार नेचो जैसा दिखता है। बेचारी एमा, मुझे माफ कर दो। कितना भयंकर, ये बहुत मसालेदार है। मेरी जीभ जल रही है। लेकिन तुम्हें सब कुछ खाना होगा, चाटना नहीं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब कुछ होगा। आग, मैं जल रही हूँ। मिरांडा, मेरी मदद करो। अरे नहीं, ये नहीं, मेरी तरफ मत देखो। ये मुझे दूर ले जा रहा है, इसे रोको। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। ओह, ऐसा लगता है कि मैं वापस आ गई हूँ। कम से कम कुछ अच्छी खबर है। हे मिरांडा, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, पर तुम ठीक नहीं लग रही हो। और तुम भी होता है। कितना सुंदर केक है। मैं अपना सजावट चुनने के लिए तैयार हूँ। वाह, गमी कीड़े बहुत अच्छे हैं। मेला, जरा देखो तो कितने हैं। अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ कम स्वादिष्ट मिलेगा। मुझे पता था, असली कीड़े। छी, उफ, ये कितने भयानक है। मैं इसे अपने केक पर नहीं डाल सकती। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पसंद हो या ना हो, तुम्हें करना होगा। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी ताकि मैं इसे ना देख सकूं। मम्मी, ये चल रहे हैं, ये बहुत भयानक है। इतने कम क्यों? तुम्हें सारे डालने होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी खराब हो केट। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। हाँ, देखने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये नियम है। मैं इसे अपने मुँह में नहीं डालना चाहती। कीड़े हिलेंगे, मैं पक्का इसे नहीं बच सकती। इस केक को बिना कीड़ों को तुरंत लेना होगा। ओह, अभी भी घिनौना है। ये कीड़े के स्वाद से लथपथ था। ऐसा लग रहा कि मेरे चेहरे पर कुछ रेंग रहा है। नहीं, नहीं हो सकता। फिर से कीड़े, मैं इसे तंग आ चुकी हूँ। मेरे बालों में भी घुस गए हैं। ये सब कब खत्म होगा? ओह, क्या तुम थोड़ा सावधान हो सकती हो? मेरी नाक के ठीक नीचे कीड़ा उड़ गया। अच्छा है कि तुमने सब खा लिया और केवल मेरे गमी कीड़े रह गए हैं। इससे बेहतर सजावट नहीं है। मुझे यकीन है वे न केवल मेरे केक को सजाएंगे बल्कि इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। देखो कितना प्यारा है। इसे खाने का समय हो गया है। वाकई कमाल का लग रहा है। और ये कितना स्वादिष्ट है तुम्हें पता नहीं है। मैं एक बार में पूरा केक खाने के लिए तैयार हूँ। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। केट, तुम मेरे लिए चीज कर सकती हो? मुझे सिर्फ एक टुकड़ा दे सकती हो? प्लीज प्लीज। क्या बकवास कर रही हो, इसके बारे में सोचना भी मत। मुझे किसी और जवाब की उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। यार, यह क्या है हमला? मैं अपने केक को बचा सकती हूँ। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम अपने आप को बचाओ। तुम ही बचाव करने वाली हो, मैं हमला करूँगी। ओह यह लो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। केक के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं हार गई, मैं केक नहीं खा पाऊंगी। मैं यह याद रखूंगी। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम क्या कर रही हो मिला? मुझे जाने दो। कोरा केक अब तुम्हारा है। अच्छा ठीक है, तुम एकदम पागल हो। मैं फिर से पहले पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ। मैं उड़ जाऊंगी, कितनी तेज हवा है। अरे नहीं, नहीं हो सकता, ये तो लाल मिर्च है। आखिरकार तुम्हें कुछ खराब मिला, स्वादिष्ट नहीं। चलो देखें कि तुम इसे कैसे संभालती हो। मुझे यकीन है कि इस बार किस्मत मेरे साथ होगी। तुम्हें गमी आंखें मिली? यह सही नहीं है। और ऐसा क्यों? सब सही है, किस्मत ने फैसला किया है। देखो मेरे केक पर गमी आंखें कितनी अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड,
ये स्वाद का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे ये केक हमेशा याद रहेगा। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। क्या तुमने मेरे साथ शेयर नहीं किया था तो मैं भी नहीं करूँगी। अरे मुझे अभी चोट लग जाती। लेकिन अब तुम निश्चित रूप से मेरा केक नहीं चुरा पाओगी। और वैसे मुझे इस कांटे की जरूरत क्यों है? मैं अपने हाथों से खाऊंगी। इसका स्वाद बेहतर होता है और इसके अलावा एक बार में और भी बहुत अपने मुंह में डाल सकते हैं। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना स्वादिष्ट है केक, नहीं बल्कि एक मीठा सपना। तुम सही कह रही हो, लेकिन इसकी एक खामी है, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। केवल एक गमी आँख रह गई है। क्या होगा यदि मैं इसे फेंकूं और इसे अपने मुंह में पकड़ लूं? अरे नहीं, मिस कर दिया। मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हुआ। यह किस्मत का एक असली तोहफा है, मैं एक गमी चख पाई। अब अपना मिर्च वाला केक खाओ। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलो सजावट के साथ शुरू करते हैं। वैसे ये काफी अच्छा निकला। देखो ये रंग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो देखें कि तुम्हारे केक का स्वाद कैसा है। इसके बिना भी काम चल जाएगा। लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे इसे खाना होगा। मुझे पहले से ही गर्मी लग रही है। मुझे मिर्च पसंद नहीं है। इतने कम क्यों? एक साथ कई टुकड़े खाओ। तुम देखना इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझ पर दया करने की कोशिश मत करो, पूरा खाओ। हो गया, आशा है कि अब तुम खुश होगी। अरे नहीं, लगता आग लगने वाली है। मम्मी मैं जल रही हूँ। लगता है मैंने ज्यादा कर दिया है, मुझे उसे सारी मिर्च नहीं खाने देनी चाहिए थी। रुको केट, मैं तुम पर पानी डालती हूँ। कितना अच्छा, धन्यवाद। पहले पहिया घुमाने की मेरी बारी है। कैक्टस? अरे नहीं, लेकिन यह कांटेदार होगा, मैं इसे कैसे खाऊंगी? एक सेकंड रुको, मेरी राय में ये गलती है। फ्रेंच फ्राइज पर पहिया रुक गया है। ठीक है कोई चीटिंग नहीं। हाँ सही है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब मैं पहिया घुमा रही हूँ, कुछ मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। गम? मुझे एकदम सही लग रहा था। वाह, इतनी सारी वैरायटी, तो मुझे उनमें से कम एक दे सकती हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खुद सब कुछ खाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि रंगों को मिलाते हैं तो ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट निकलेगा। ओह माय गॉड, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं शायद इसे खाने से खुद को रोक सकती हूँ। ये बहुत अच्छा निकला, मुझे ये केक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सजावट के लिए सभी च्युइंगम का उपयोग करना जरूरी नहीं है, इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। हाँ तुम सही कह रही हो, देखो मेरे पास एक दिल है। वाह बहुत प्यारा। मुझे लगता है कि केक को पूरी तरह से पूरा करेगा। वाह तुम एक बढ़िया डेकोरेटर हो। धन्यवाद। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है, मैंने जो बनाया है उसे खा सकती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये बिल्कुल स्वादिष्ट है। अरे हाँ तुम 100% सही हो, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं ये सब नहीं खा लेती। केट लेकिन तुम गंदी हो गई हो, तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ है? या मान लो कि तुम मुझसे सिर्फ जल रही हो। ओ मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि बबल गम बबल्स बना सकते हैं। शायद तुम अब रुक सकती हो, ये बबल मुझे डरा रहा है, ये बहुत बड़ा है। बस इतना ही, मुझे शांत करना होगा, मुझे माफ करना। तुमने क्या किया मिला? तुम्हारी वजह से मैं च्युइंगम में ढक गई हूँ, ये बहुत बुरा है। लेकिन ये तुम्हारी खुद की गलती है, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। ओह क्या कांटेदार कैक्टस है, मैं इसे नहीं खा सकती। कुछ सोचो, ये तुम्हारी समस्या है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। मुझे डर है कि ये कैंची फिट नहीं होगी, कुछ छोटा होना चाहिए। ये भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैनिक्योर वाले बिल्कुल सही है। मेरे कैक्टस को बाल कटवाने का समय आ गया है, जाहिर तौर पर ये कांटे उसे सूट नहीं करते। तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपने कैक्टस केक को बिना चोट पहुंचाए खा सकती हूँ। लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है, मैं पहले से ही सो रही हूँ। अरे उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसने मुझे चोट पहुंचाई। अपने केक को सजाओ और खाओ। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे अपने कैक्टस को ग्रेटर पर रगड़ने की जरूरत है, फिर इसे सजावट के लिए उपयोग करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। देखो यह लेयर कैसा है, मैंने बहुत अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया, यह पता लगाने का समय है कि इसका स्वाद कैसा है। कैक्टस थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन कुल मिलाकर बुरा नहीं होता, यह बहुत बढ़िया बात है।